अब यूं ही परेशान हो रही है सुनंदा जी। राज ने इस जन्म में बहुत कष्ट सहे हैं। इस जन्म में राज सिंह अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाया, लेकिन उसका दिल वैसा ही है जैसे पिछले जन्म में हमारे राजा का हुआ करता था। वो रानी से बहुत प्यार करता है और हम आपको यकीन के साथ कह सकते हैं कि उससे ज्यादा खुश रानी को और कोई नहीं रख सकता। पता नहीं ये सब जानने के बाद भी कुछ खटक रहा है। अब देखिए ना, कुंदन भी तो रानी के बचपन का दोस्त था। इतने साल अलग रहने के बाद वो कितना बदल गया। मैं उसे अच्छे से जानती थी फिर भी उसे पहचान नहीं पाई। और फिर राज तो अभी अभी हमारी जिंदगी में आया है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानते ही क्या है? पिछले जन्म के प्यार से जिंदगी तो नहीं चल सकती ना। इस जन्म में इन दोनों का एक दूसरे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब आप ही बताइए राजमाता, जैसा आपने बताया उसी हिसाब से मेरी रानी आपकी रानी से कितनी अलग है। मैं अपनी रानी को अच्छे से समझती हूँ, उसे जानती हूँ। उसके लिए उसकी जिंदगी में आजादी से बढ़कर और कुछ नहीं है। उसका नजरिया दूसरों से बहुत अलग है। अगर ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाए और शादी के बाद मेरी रानी का दिल टूट गया तो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम मेरे साथ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिछले जन्म में जब मैं गरीब थी तब तुमने मेरे और दादू के लिए इतना कुछ किया, तो क्या वो सब एहसान था? याद है राज, तुमने खुद मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ और तुम मेरी, और दुनिया का कोई भी रूल इस बात को नहीं बदल पाएगा। मैं बस वही वादा निभा रही हूँ राज। लिसन टू मी राज, हालात बदले पर हमारा प्यार नहीं। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें या मुझे अकेले झेलना पड़े, ना ही सुख और ना ही दुख। जब रानी तुम्हारी है तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है राज। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो फिर I'm sorry, रानी, मुझे माफ कर दो। मैं जितना चाहता हूँ कि तुम्हें दुख ना दूं, तुम्हें उतना ही उदास कर देता हूँ। मैं सच में बहुत स्टूपिड हूँ ना? यू स्टूपिड थिंग है? मेरे होने वाले पति को स्टूपिड कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। उसे सिर्फ मैं ही कुछ भी कह सकती हूँ। ठीक है, जो हुक्म अमीरजादी, आज से मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। कपड़े बदल लेने से इंसान नहीं बदलते, शरीर भी तो कपड़ों जैसा ही होता है। आत्मा अमर होती है और ये तो वो आत्मा है जो समय, जीवन, मृत्यु हर सीमा को तोड़कर इस जन्म में फिर से मिलने के लिए आए हैं। आप मां हैं, आपकी चिंता जायज है। ये तो डर लगा रहता है कि लड़की शादी के बाद खुश रह पाएगी या नहीं, लेकिन आपको अपनी रानी पर भरोसा करना होगा, उसके प्यार पर भरोसा करना होगा। आप दोनों की लव स्टोरी इतनी इजी नहीं होगी। मतलब वो साली क्या जो जीजा जी से थोड़ी फाइट ना ले। मैंने आप दोनों के लिए एक टेस्ट बनाया। नो प्री, मूड का हॉट चॉकलेट फज मत कर, मैं कोई पढ़ाई नहीं करने वाली। ओफो सिली, ये वो टेस्ट नहीं, ये लव टेस्ट है। ये जानने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हो। ये कोई नई रस्म है? पता नहीं, बच्चों ने खुद ही बनाई है। चलिए देखते हैं हम भी। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको इस कार्ड पे अपने आंसर लिखने होंगे। अगर दोनों के जवाब सही हुए तो 100 पॉइंट्स, और अगर 1000 पॉइंट्स हो गए तो समझ लो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये तो पत्री मिलाने जैसे है, गुण मिला रहे हैं। सुपर, इसमें तो हम 2000 पॉइंट्स कमा लेंगे, है ना राज? अब और कितने टेस्ट देने पड़ेंगे? चल राज, छोटा सा गेम ही तो है, एक बार खेलना शुरू करोगे तो खुद ही अच्छा लगने लगेगा। तो पहला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना रानी नहीं रह सकती?
चॉकलेट फज, ये स्टूपिड लड़कियों वाले कपड़े बैग में बटन क्यों देते हैं? हाथ ही नहीं पहुंचता। शायद इसीलिए कि कोई और आकर तुम्हारा हाथ थाम ले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बिना वैसे भी तुमसे कोई काम तो होता नहीं, तो चला आया तुम्हारी मदद करने। यही काम करवाने के लिए मॉम और प्रिया आ रही हैं। जाओ, वरना तुम्हारा हॉट चॉकलेट फज बना देंगी। आने दो उन्हें, मैं किसी से नहीं डरता। Shut up, you stupid tinger. जाओ, हल्दी शुरू होने वाली है। मैं जानता हूँ, तभी तो आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या? हक, हक, हक। आज तुम्हारी हल्दी में सबसे पहले तुम्हें हल्दी मैं लगाना चाहता हूँ। Of course, great idea, why not? तुम सबसे पहले मुझे हल्दी लगा दो और हनीमून पर मैं मॉम के साथ चली जाऊंगी। ये क्या स्टुपिडिटी है? तुम्हें पता है ना, रस्म के हिसाब से सबसे पहले हल्दी मॉम लगाती हैं। देखो, मैं कोई रस्म वस्म नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि तुम्हें सबसे पहले हल्दी मैं लगाऊंगा। राज, मॉम कभी नहीं मानेंगी और मैं उनका दिल भी तो नहीं दुखा सकती ना। और मेरा दिल दुखा सकती हो? ऐसा तुमने जो कहा मैंने सब कुछ किया। 3 महीने खत्म होने से पहले तुमसे शादी करने के लिए राजी भी हो गया, और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? नहीं राज, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे मेरा जवाब मिल गया। राज, अरे तुम लोग ने रानी को कहीं देखा? अपने हल्दी फंक्शन से दुल्हन कैसे गायब हो सकती है? राज बेटा, अरे राज, तुमने रानी को कहीं देखा है? ओ मुर्गा पहले आया के अंडा, छोड़ दिमागी बातें प्यारे। अरे मुर्गा पहले आया के अंडा, अरे छोड़ दिमागी बातें प्यारे। कहानी मुर्गी रात भर रोए, मुर्गी रात भर न सोए। मुर्गा है का दीवाना, अंडा है मैं नहीं आना। जब भी नचे तू तो इससे पहले तूने कभी शादी करी है जो तेरी कोई बैचलरेट होती? तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं हूँ, तुम और किसी के पास नहीं जाओगे, समझे? शायद तुम्हें और अच्छी तरह समझाना पड़ेगा।